हम तो अब सतयुगी सोल्स बन ही गए हैं, रियलाइज कर ही दिया है, तो अब उसको और रेगुलरली अपने सतयुगी सोल्स को हम और स्ट्रांग करें, अपनी इस कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग करें। तो अब तो फास्ट फास्ट हम अपने कवरिंग्स उठा लेते हैं, जैसे जब शूज नए होते हैं बहुत टाइट होते हैं, पहनते पहनते वो ढीले हो जाते हैं, इसी तरह ये जो ड्रेसेस है, कवरिंग्स ओवर द सतयुगी सोल, इन सब निकालते गए, अभी बहुत इजी हो गए। तो एज यूजुअल हमारा फर्स्ट ड्रेस जो एकदम ऊपर रहता है, आई एम द प्रोफाइल, आई एम अ डायरेक्टर, चेयरमैन, बिजनेसमैन, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर, ऑल दिस प्रोफाइल्स का ड्रेस विजुअलाइज करें, ऊपर में बहुत मोटा ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रोफाइल्स, 20-25 साल के जो भी प्रोफाइल्स हैं, जिसको हम अपना बायोडाटा कहते हैं। अब ये बहुत मोटा ड्रेस है, बाजू में चेयर पड़ा है, आप उसमें उठा के ये पूरा ड्रेस रख दिया, ब्लैक ड्रेस प्रोफाइल का रख दिया, थोड़ा रिलीफ हो रहा है हम सब। अब फिर भी और कुछ ड्रेसेस है, कवरिंग्स है मुझ सतयुगी सोल के ऊपर, वो कवरिंग्स, अब दूसरी कवरिंग है, दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस का ड्रेस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अब ये दूसरे चेयर में, इट्स ग्रीन ड्रेस, थोड़ा प्लेजेंट है लेकिन है फिर भी दर्द वाला, मेरा नहीं है। अब इस ड्रेस को भी दूसरे चेयर पे रख दिया, दोनों इकट्ठे एक चेयर पे नहीं रखे, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, जब नहीं पहनना होगा तो वो वाला पहन लूंगा, दूसरे चेयर पे रख। अब तीसरा ड्रेस है, दिस इज वेरी लाइट, जो बचपन से था, मेल फीमेल, अब इस ड्रेस को भी इजी हो गया है, हमको तीसरे चेयर पे रख देते हैं ताकि ये जब जब यूज करना पड़े तब यूज कर सके। तीनों अलग अलग हैंगर्स में अलग अलग चेयर पे है। अब मैं बची केवल एक सतयुगी आत्मा, प्योर, परफेक्ट, शाइनिंग, अपने आप को ज्योति स्वरूप में देखे, कितना शाइनिंग है, इतनी अच्छी शाइनिंग है कि वो शाइनिंग पूरे कमरे में हो रही है। दिस इज द मी सतयुगी सोल, द गॉडली चाइल्ड, द गॉडली स्टूडेंट, एंड इस गॉडली स्टूडेंट को भगवान प्रोफेसर बैठ के अपनी स्पेशल सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं आज। ओम शांति, ओम शांति। Om Shanti. So, welcome back all of you once again. हमने बहुत अच्छे अच्छे मैच्योर क्लासेस भी किए, अंडरस्टैंडिंग भी ली, और आज हम और एक आगे के लेवल के सीक्रेट को समझते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रियलिटी है वो सीक्रेट से भरी हुई है, लेकिन हम इस सीक्रेट को शायद
बहुत समय से एक्सप्लोर नहीं किया था। आज कई सारे सीक्रेट्स हम डिस्क्लोज करेंगे। तो जैसे कल हमने देखा था कि कैसे हम फिल्म के आधे भाग पे आ गए थे, आधे के बाद अगला वाला भी 3/4 एपिसोड कंप्लीट किया। धीरे धीरे फिल्म चल रही है, ऐसे भी फिल्म धीरे धीरे ही चलती है ना। तो जैसे हमने कल देखा था हाउ द सोल्स वाज सो प्योर गोल्डन एज सिल्वर एज में एंड इवेंचुअली द प्योरिटी वेंट ऑन डिक्रीजिंग एंड द रीजन फॉर द प्योरिटी वेंट विच वेंट ऑन डिक्रीजिंग देर वॉज नो नेगेटिविटी देर, कोई वाइसेज नहीं थी, बट स्टिल प्योरिटी वेंट ऑन डिक्रीजिंग। कपड़े कमरे को एकदम बंद करके जाओ, एयर टाइट करके जाओ तो भी कहीं ना कहीं डस्ट आ जाता है, कितना भी हम एयर टाइट करें। दिस इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार चाहे नेगेटिविटी आई नहीं गोल्डन एज सिल्वर एज में, बट ऑन यूसेज इट्स जस्ट लाइक द बैटरीज जो चार्ज्ड थी यूसेज में डिस्चार्ज होती जा रही है। डिस्चार्ज के लिए वाइसेस की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज यूसेज से भी होता है। सो द बैटरीज वेंट ऑन डिस्चार्जिंग, ठीक है। और फिर अब जब 50% डिस्चार्जिंग मतलब प्योरिटी लॉस्ट, इन सिंपल वर्ड्स आई एम अ सोल, ये धीरे धीरे सी अगर वी हैव टू जस्ट चेक कि गोल्डन एज से सिल्वर एज तक आते आते ऐसा तो नहीं रहेगा कि द सेम कॉन्शियसनेस विच हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच इट स्टार्टेड द सेम वुड कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द त्रेतायुग, लॉ तो नहीं कहेगा ना। इट हैज टू चेंज एंड द चेंज वुड बी टूवर्ड्स डिग्रेडेशन, मतलब डाउनवर्ड्स ही होगा। इट्स ऑन यू, इसलिए उसको हम कहते हैं उतरती कला, क्योंकि डाउनवर्ड्स जा रहा है। सीढ़ी में हमने देखा था कि वो नीचे जा रहा है, और मेन जो प्योरिटी अर्थात आई एम द सोल वो कॉन्शियसनेस कम होती जा रही है, बिकॉज बॉडी के कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में है। देर इज अ फीलिंग क्लियरली आई द सोल हैव टेकन द फीमेल बॉडी, आई द सोल हैव टेकन द मेल बॉडी, ये कॉन्शियसनेस चल रही है एंड चलती भी जा रही है। सत्युग से सत्युग एंड तक, त्रेता से त्रेता चलती जा रही है, बट टूवर्ड्स द एंड धीरे धीरे कम तो होती जा रही है, जैसे पहले थी वैसे तो नहीं रहेगा, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस का कोई ज्ञान नहीं है, परमात्मा का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो आखिर जब ये दोनों ही नहीं है जो चार्जिंग के रीजंस है, तो डिस्चार्जिंग तो होगी। वो ये लैपटॉप है जिसमें अभी हम सुन रहे हैं, अभी इसको हमने चार्जिंग पे लगा दिया तो क्या हो रहा है, यूज भी कर रहा है लेकिन डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन चार्ज भी हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द सेशन इट इज द सेम फुली चार्ज्ड, बट दैट इज नॉट द केस इन गोल्डन एज। देयर इज नो चार्जिंग, देयर इज नो मेडिटेशन, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिटेशन, परमात्मा नहीं आता है। तो इस कारण फिर वो डिस्चार्जिंग शुरू हो गई, एंड तक चली। अब जब ये होने लगा कि आई एम अ बॉडी, थोड़ी थोड़ी चल रही थी, अब फिर जहां शुरू हो गए आई एम अ बॉडी, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ बॉडी बिकेम नाउ द्वापर युग, कॉपर एज। और फिर अब जब बॉडी शुरू हो गई तो वाइसेस शुरू हो गई। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, एंड वाइसेस शुरू ही हुई थी अकॉर्डिंगली इंटरवेंशन शुरू। तो अब बाबा की आगे के महावाक्य सुनते रहेंगे, और अब इसके आगे बाबा क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं। तो जैसे हमने कल देखा था कि अब जो भी बाप धीरज देते हैं बच्चे, बाकी थोड़े रोज है,
बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलती जाएगी, बदलनी है। जो भी बड़े बड़े पोप है, जैसे वह भी कहते हैं ना, दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? दुनिया बदलने वाली है। तो अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी सो फिर नई दुनिया फिर बनेगी, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। इसी को कहेंगे चक्कर, चलता रहता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, लाखों वर्ष अनलिमिटेड नहीं होता है। अब लाखों का भी कोई एक लिमिट नहीं बताई है ना, जिसने भी लाखों बता दिया। एक्चुअली लाखों का कंसेप्ट क्या था, लाखों बार ये चक्र चला। When I say, I have done 1,000 times, I have done a session. तो 1,000 times का मतलब क्या है? Exact 1,000 नहीं होता है। 1,000 times मतलब many times. So this लाखों वर्ष का मतलब है लाखों बार, many times ये चक्र चलता है। अब ये लाखों बार का जो भक्ति में शुरू हुआ, एंड भक्ति शुरू हुई द्वापर से, 2,500 years, नाउ वी आर पास्ट, कलयुग एंड में आए। तो क्या लाखों का इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स हो सकता है? आज हम आप हमसे सुनते हैं, अगर कल आपको रिपीट करने को बोले, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है? कल तो क्या, 2 घंटे बाद भी बोला रिपीट करने को, फर्क आ जाएगा? चाइनीज विस्पर वी यूज्ड टू डू, एंड व्हेन इट कम इट विल टेक सपोज डिकेड, 1 साल के बाद अगर बोलना पड़े आपको तो कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद, और अगर 10 साल, 100 साल, 1,000 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये लाखों का कुछ भी नंबर्स आप दे सकते हो। This is what had happened. परमात्मा ने संगम युग में कहा कि ऐसी नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी, लाखों बार ये चक्र चला था, many times it happened. तुम बच्चे अच्छी रीति जान गए, भक्ति बिल्कुल अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। रावण राज्य ये था राम राज्य, सत्युग त्रेता। रावण राज्य मतलब वाइसेस शुरू। तो रावण राज्य कब से शुरू हुआ? भक्ति कब, रावण राज्य कब से शुरू हुआ? रावण राज्य द्वापर युग से। अच्छा, भक्ति कब से शुरू हुई? रिलीजन्स और भक्ति बोथ वेंट हैंड इन हैंड। तो जब रिलीजन स्टार्ट हुआ, भक्ति की भी शुरुआत हुई। व्हाट इज रिलीजन? डेफिसिट ऑफ वर्च्यूज। सो इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्च्यूज एज पर द नीड ऑफ द टाइम, जिसको हमने कल भी अच्छे से देखा था उस बात को कि तो भक्ति मीन्स इंट्रोडक्शन, परमात्मा की याद। तो परमात्मा की याद के अकॉर्डिंग जब ये आने लग गया, जिसकी सॉरी परमात्मा की याद की फीलिंग शुरू हो गई, दैट इज भक्ति की शुरुआत। तो द्वापर युग से भक्ति की शुरुआत हुई, और रिलीजन मतलब डेफिसिट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज इन द सोसाइटी, सो इंट्रोडक्शन ऑफ दैट वैल्यूज बाय द रिलीजियस फाउंडर, बाय द मैसेंजर्स।
सो दैट इज कॉल्ड रिलीजन. तो रिलीजन एंड भक्ति, रिमेम्बरिंग गॉड, ये साथ साथ शुरू हुआ. तो ये दोनों की रीजन जरूरत भी कब पड़ी, वाई द चाइल्ड ही इज प्लेइंग वेरी नाइसली, वेन विल ही रिमेम्बर द पेरेंट, ही विल कॉल आउट फॉर द पेरेंट, ओ डैडी, ओ मम्मी, ये कब हम बुलाते हैं, कब बुलाते, जब हमको दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है तब हम बुलाते हैं. तो भक्ति की भी शुरुआत हुई दर्द की शुरुआत जब हुई, इसलिए बाबा ने कहा भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, ये तुम अभी समझ रहे हो. सो अभी तुम बुलाते हो, हे पति पावन आओ, आकर नई दुनिया एस्टेब्लिश करो. सो नाउ व्हेन, जब रावण राज्य का भी अति होगा, सो नाउ इज द टाइम ही वुड कम. अब क्या होता है, सो द डिस्क्लोजर्स व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस टोटल सीक्रेट्स, फ्रॉम दिस सिग्नल्स टाइम के चैप्टर से, कि एक रोटेशन 5000 साल का है एंड फोर फेजेस इज नथिंग. कोई कलयुग कोई नाम नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर युग का नाम डिक्लेयर हो गया कलयुग. अच्छा, जैसे दिन और रात का चक्र है, नाउ ये रात और दिन कैसे बोलने लग गए, रात और दिन, ये बताया हमको कि ये टाइम बोलेंगे रात, कोई डिक्लेयर नहीं हुआ. उसकी जो स्टेट दिखाई देती है, टाइमिंग्स होता है, टाइमिंग्स और स्टेट, हम कहेंगे अब रात हो गई, रात शुरू हो गई, अभी शाम शुरू हो गया, अभी दोपहर का टाइम है, अभी सुबह का टाइम है, अभी डॉन का टाइम है, जिस तरह का फेज है दैट इज कॉल्ड द साइकिल, द पर्टिकुलर फेज, जो जिस तरह की सिचुएशन है. कलयुग सत्युग, सेम वर्ल्ड, सारे प्रकृति सब कुछ सेम. कलयुग सत्युग इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. सो व्हेन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मेजॉरिटी बहुत बेस्ट है, इट्स सत्युग, इसलिए सत्युग एवरीथिंग बेस्ट और कलयुग. एंड हाइएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड प्योर सोल. स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चार फेजेस से गुजरती है, बेस्ट, बेटर, बैड, वर्स, ये चार फेजेस है. चाहे इसको हम कह देंगे सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो प्रधान, चाहे इसको हिंदी में हम ऐसे कह देते, बट इट इज नथिंग बट द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन दैट पर्टिकुलर फेज. तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कौन सा होगा, बट नेचुरल प्योरिटी, परफेक्शन. तो बेस्ट जो स्टेज था सारी सोल्स, वो सत्यु. और प्यूरिटी रिड्यूसेस व्हेन नॉट चार्ज्ड, चार्जिंग जब नहीं होती है तो ही रीजन बनता है पवित्रता कम होने का. और गोल्डन एज एंड सिल्वर एज आर नथिंग बट द बैंक बैलेंस. रिड्यूस कैसे हुआ, आज हम वो देखते हैं कैसे रिड्यूस होता है और कारण क्या है, किस क्यों रिड्यूस होता है. आई एम अ बॉडी, ये कॉन्शियसनेस इज अ स्टार्ट ऑफ द इम्प्योरिटी इन द वर्ल्ड. इसलिए फॉरबिडन एप्पल की बात कही. तो अब दिस, इसी में क्लियर हो गया हम सबको कि नीड ऑफ वैल्यूज एंड इंटेंसिटी ऑफ वाइसेस डिसाइड्स द रिस्पेक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द मैसेंजर सोल. कौन सी वैल्यूज कम हुई है और कितनी वाइसेस विकार बढ़े हैं, उस अकॉर्डिंग मैसेंजर सोल्स आते हैं.
और कारण क्या हुआ, हमने कोई भी डिवाइन सोल्स को परमात्मा क्यों कह दिया? जैसे कल हमने देखा भी था कि ये बोला, ये आवाज की बुलाया, उस घर को बुलाया, जैसे प्रधानमंत्री हाउस में जाके आपने नारा लगाया कि भाई तुम आओ, ये प्रॉब्लम है, तुम आओ, ये प्रॉब्लम है। हमने कभी देखा ही नहीं प्रधानमंत्री को, लेकिन हमको ये पता है कि यहां सुनवाई होती है, ये पूरा मेन है, तो हमने किया। और कोई एक बाहर निकल के आया और उसने, और वो हेल्प करने लगा, हमने कभी देखा ही नहीं था प्रधानमंत्री को, हमको क्या लगेगा कि यही है वो व्यक्ति जिसको हम बुला रहे थे। सो द मैसेंजर सोल्स केम फ्रॉम परमधाम, दैट वॉज द फर्स्ट बर्थ, दे हैव टू बी सो प्योर टू स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। हमने सोचा यही भगवान है क्योंकि ऊपर से आया, आएंगे तो ऊपर से, और आएंगे वो इतने प्योरेस्ट फॉर्म में, लेकिन दैट वॉज अ मैसेंजर सोल, दैट वॉज द रीजन इवेंचुअली। उस उन्होंने तो खुद कहा कि मैं पैगंबर हूं, लेकिन हम लोगों ने उसको समझ लो कि तुम भगवान। तो ये डिसाइड किया था उन्होंने। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब फिर भी समय और आगे बढ़ता गया, प्रॉब्लम और बढ़ती गई, चेंज हुआ नहीं, क्योंकि अब कलयुग आना था। बैड टू वर्स ड्रामा बीच में ही, उस समय ही परमात्मा आ जाता पुकारने के बाद। रीजन व्हाई ही डजंट कम, परमात्मा के इंटरवेंशन का व्हाट आर द रिक्विजिट्स। एक पावरफुल पर्सनालिटी है, वेरी हाईएस्ट पर्सनालिटी, हाईएस्ट पावरफुल है, उसको आप एक एंट्री भी कब मिलती है, क्या क्या रीजन बनता है जब वो एंटर करता है? कोई भी पावरफुल पर्सनालिटी है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो, लेट अस गो बैक, डेट बैक। अब हम पहले इस तरह से चले, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज की जगह। आज जो हम समझ रहे हैं, आज जमाना, आज का जमाना, 10 साल पहले का जमाना, डिग्रेडेशन बड़ी कम हुई? बड़ी। 10 साल से पहले जमाना, 20 साल, 50 साल, 100 ईयर्स बढ़ती जा रही है। ऑल ऑफ अस यहां 70 ईयर्स, 80 ईयर्स एजेड भी है सभी, हम देख रहे हैं जमाने को। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल, अभी देख लो। तो इसका मतलब अगर थोड़ा डेट बैक करते जाए, आज से 500 ईयर्स पहले बेटर रहेगा कि आज की तरह? और डिग्रेडेशन बहुत फास्ट कब आई? इफ यू जस्ट सी 1850 का पॉपुलेशन का सेंसेक्स, 150 करोड़ पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, आप इमेजिन कर सकते हैं। टुडे 2020, 170 ईयर्स में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। सो नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये वाली जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड है, कॉन्शियसनेस है, वातावरण है, उसके लायक कितनी सोल्स थी जो ऊपर से आई फिर? क्योंकि हमने कल देखा था कि जिस तरह का वातावरण होगा, अकॉर्डिंगली एंट्री होगी द सोल्स की। तो इस तरह के वातावरण में कितने सारे होंगे? मेजॉरिटी किस वातावरण में लगते हैं आपको? 150 से लेकर दिस प्रेजेंटली जो भी सिचुएशन देख रहे हैं हम, चाहे उसको 600 करोड़ सोचो, 700 करोड़ सोचो, एनीथिंग, जो भी पॉपुलेशन आप सोचो, एक्सप्लोजन देखो। तो जैसे हमने देखा पीएचडी का लेवल
टेंथ स्टैंडर्ड का लेवल और फोर्थ स्टैंडर्ड का लेवल मैक्सिमम किसमें दिखेंगे हमको, छोटे लेवल में। तो जो आत्माएं परम धाम में थी वो इस लेवल की ज्यादा थी, तो इसलिए इधर ज्यादा। और इस तरह करके डेट बैक करते जाए पीछे पीछे पीछे, तो आज के 2000 साल पहले कलयुग कैसा रहेगा, किस तरह की स्टेट थी? आज के हिसाब से तो हम कहेंगे तो वो तो स्वर्ग था, लेकिन आज के हिसाब से हम स्वर्ग कह रहे हैं, बट फिर भी वैल्यूज तो डिग्रेड, बिकॉज वी नो राजाओं की कितने सारे हम स्टोरी सुनते हैं, किस तरह डिफीट, किस तरह लड़ाइयां चलती रही है, वाइसेस तो थे, तो देयर वाज, इट वाज नॉट स्वर्ग। तो वैल्यूज की डिग्रेडेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई है, इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन। तो ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ वैल्यूज का, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होता गया वाइसेस का, अकॉर्डिंगली देयर वुड बी द एंट्रेंस ऑफ द डिवाइन सोर्स, द फोर फादर्स। अब परमात्मा का इंटरवेंशन उस समय आना चाहिए, थोड़ा सा दर्द हुआ आ जाए। परमात्मा का इंटरवेंशन के साइंस क्या होते हैं? नाउ अब फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज एट अ मोस्ट डिग्रेडेड स्टेट। पांच वाइसेस पीक पे होने चाहिए, ये फर्स्ट रीजन, ये सब सिम्टम्स चाहिए। सेकंड मतलब प्योरिटी नियरली निल, 1% बची है, कहीं कहीं आत्मा वर्ड सुनने में आता है थ्रू आउट। अभी आत्मा वर्ड हम कहां सुनते हैं? तीन जगह सुनते हैं आत्मा वर्ड। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तब वो न्यूज में डाल देते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकर, आत्मा चली गई, उस समय वो आत्मा है। दूसरा सत्संग में जाएंगे तो कहते हैं आत्मा थोड़ा बहुत, और तीसरा शमशान में जाते तब कहते द सोल लेफ्ट द बॉडी। तो पूरे लाइफ में 3 times आत्मा वर्ड है, दिस इज कॉल्ड बॉडी कॉन्शियसनेस, कंप्लीट मैं बॉडी हूं। अब तो बॉडी भी नहीं, मैं प्रोफाइल हूं। ईच एंड एवरी वन वी आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज अ प्रोफाइल। तो ये जब प्योरिटी निल हो जाती है तब देयर इज द नीड ऑफ अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। और तीसरा है ऑल अदर डिवाइन इंटरवेंशन हैव ट्राइड देयर बेस्ट। उसमें फिल्म में भी हीरो का रोल कैसे होता है, आप सभी देखते रहते हो फिल्म, कब आता है हीरो? पहले रिकॉल करो, आज फिल्म रिकॉल कर सकते हैं अभी इस मौके पर, तो नेगेटिविटी शुरू भी हो जाती है और फाइटिंग शुरू भी हो जाती है, लेकिन वो पहले सब ट्राई करते रहते हैं, सब छोटे मोटे वोटे जो भी ट्राई करने थे, फिर बाद में फिर कहीं से वो एकदम कूद के वो हीरो आता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही होता है ना कि वो लास्ट में आता है, क्यों वो पहले आ जाता ना, बेचारे इतने मरे क्यों? हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया प्रोड्यूसर को, क्रिएटर को, डायरेक्टर को, ये क्या फिल्म बनाया, पहले कर देते इतने को मारने की क्या जरूरत है, ये क्यों फिल्म बनाया आपने? बट है, दिस इज द स्टाइल, क्योंकि एवरीवन शुड हैव ट्राइड। अब दुश्मन के सामने वो भी तो अपनी एबिलिटी को ट्राई करे, परमात्मा भी पहले ऑल द डिवाइन इंटरवेंशन हैड ट्राइड द बेस्ट, ही गिव्स चांस टू एवरीबॉडी सो दैट इवन दे वुड डू व्हाट दे कैन डू, अदरवाइज उन सोल्स की कैसी महिमा होगी, परमात्मा ही आ जाएगा पहले तो। दे हैड दैट पावर पास इन देम, दे हैड दैट पोटेंशियल, उसको यूज करते। और फिर रिलीजन इज जस्ट नेम सेक, केवल नाम मात्र रिलीजन है, हमने ये देखा। अब ये सारा वर्णन, अब चाहे हम यहां बता रहे हैं, चाहे आपने इसमें देखा होगा,
एक और हम साथ में बता देते हैं, ये देखो रामचरितमानस में भी कितनी सारी बातें ऐसी बताई है। सो कहने का भाव कि किस तरह कलयुग के अलग अलग निशानी सब जगह बताई है कि किस लेवल तक ये नेगेटिविटी जा रही है, वो शायद उसमें कब बताई होगी। आज हम सुन रहे हैं कि वैसा है, वो पूरा है। तो इस तरह का जब ये सिचुएशन हो जाती है और अब इस सिचुएशन को रिलीजन जस्ट नेम सेक, नाम बाबरी मस्जिद, काम क्या है हम सभी जानते हैं इसको। रियलिटी में डीप इनसाइड क्या वो भगवान के प्रति वो समर्पणता है, वो प्यार है? धर्म धर्म अधर्म, नेम सेक रिलीजन हो गया। आज कितने हम 6 महीने से दिल्ली में हम सभी देख रहे हैं क्या हालत हुई रिलीजन के नाम से। एक बिन वो पास हुआ था। तो नाम रिलीजन, धर्म मतलब धारणा, धर्म मतलब ये चीजें थी नहीं। और सेकंड है भक्ति फॉर डिजायर फुलफिलिंग। केवल डिजायर मतलब आज जितने भी हम मंदिर में जा रहे हैं, जैसे ही परमात्मा सामने आता है तो एक बस ये चीज मेरी पूरी कर दो, या जो भी मन्नते हैं देवियों के हैं, ये हुआ इसलिए हम जा रहे हैं। केवल डिजायर फुलफिलिंग। और दूसरा ऐसा स्टेटस सिंबल, हम लोग को कई बताते हैं कि भागवत हमको लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम अच्छे पैसे वाले हो ना, आप भागवत करा सकते हो, क्योंकि भागवत का मतलब है 50 लाख। या इन अदर वर्ड्स, अगर ये भागवत करा रहा है इसका मतलब ये पैसे वाला है। भक्ति ऐसा स्टेटस सिंबल, मतलब परमात्मा के नाम को जब इस तरह का पोल्यूशन आ गया और आई एम अ बॉडी, ये कॉन्शियसनेस, तो जब ये हालत हो जाती है तब परमात्मा, दिस आर द साइंस, तब परमात्मा का इंटरवेंशन होगा। और हर चीज अपने नेगेटिविटी और पीक पर। तो आज ये सारे जो लक्षण है जितने भी, वो लक्षण, एक और लक्षण है कि जो भी नेगेटिविटी बाहर की है, डैमेज हो रही, वो तो है, और उस नेगेटिविटी को कोई ठीक नहीं कर सकता है। नो वन कैन उसको ठीक कर सकता है। दैट इज द टाइम ही विल कम, इट्स द सुप्रीम इंटरवेंशन। इसलिए बोला जो फेमस स्टोरी, वो फेमस जो बताते हैं इसमें, यदा यदा ही धर्मस्य में, मैं आपको इसमें बता रही हूं, कैसे कैसे वो धर्म स्टार्ट होता है। देखो इसमें क्लियरली बताया, इट वॉज अ डिक्लेरेशन। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
अब इसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि व्हाट डू आई मीन बाय यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। अब आप सोचो, जब परमात्मा ने कह दिया कि जब जब मैं आता हूं, जब जब, व्हाट डज इट इंडिकेट? एक बार आ जाए ना, खत्म के साथ। लेकिन जब जब मैं आता हूं मतलब क्या? जब जब अर्थात बार बार होता रहता है। एंड देन उसने कहा कि साधुओं का उद्धार और दुष्टों का विनाश। अब सोचने की बात है, आप सोचो क्या वो परमात्मा किल करेगा किसी को? परमात्मा फर्स्ट ऑफ ऑल किल करेगा? हम अच्छे लोग हैं, हम भी किसी को हाथ नहीं उठाते। विल गॉड किल? क्योंकि इविल्स कहां है? माइंड में इविल्स है, बॉडी में इविल्स नहीं है। तो माइंड को किल तो कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या परमात्मा माइंड को किल करेंगे? वो तो कोई नहीं। माइंड कैन बी चेंज्ड। सो परमात्मा दुष्टों का विनाश नहीं करते, दुष्ट मन का विनाश करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इविल्स इन द सोल, परमात्मा ये करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूरिटी, डिस्ट्रक्शन लेकिन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूरिटी। साधुओं का उद्धार मतलब कौन से का उद्धार करेगा? कौन से सोल्स को वो उठाएगा? जो सोल्स सत्युग और त्रेतायुगी सोल्स थी उसको एक्टिवेट करता है और इवल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला, उसका वो काम है। He doesn't kill anything. और अगर श्री कृष्ण के लिए बोला, आप हमने देखा उसमें महाभारत में बताया, अब श्री कृष्ण के समय तो कोई रिलीजन एस्टेब्लिश ही नहीं हुई थी, तो वो बताया कि रिलीजन की एस्टेब्लिशमेंट, कौन सा रिलीजन था उस समय? तो कोई रिलीजन नहीं था। देवी देवता धर्म की स्थापना, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलीजन। तो परमात्मा आते हैं, आकर के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। अब नाउ इफ ही नीड्स टू कम, रीजंस, कोई भी नया आत्मा, कोई भी स्पेशल सोल, सुपर पावर, ट्रंप हैड कम इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडिया, just recently he came. Reason for any big personality is there has to be some special event. Ek to ek reason ye hai, it's like it, there was an inauguration of the stadium, ek to ye reason hai. And dusra us reason ka matlab hai, jaise doctor hai, aayega doctor ke paas, bahut perfect doctor hai, matlab kya hoga? Very perfect doctor का मतलब है होपलेस केस, जो सब लोगों ने जवाब दिया वो केस वो ठीक करता है। परमात्मा का डिसेंडिंग इन दिस अर्थ, एक्सप्लोजिव माइंड्स आर द होपलेस केसेस। हर आत्मा का माइंड एक्सप्लोजिव हो जाते और कोई बहुत बड़ा काम है तब आते हैं। तो देफो वो ही कम्स टू एस्टेब्लिश दैट हेवनली वर्ल्ड, एक इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, एक इनॉग्रेशन। और दूसरा है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द होपलेस माइंड्स।
इविल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, मनुष्य को डिस्ट्रॉय नहीं करते. अच्छा, कोई भी नाउ व्हेन एनी बिग पर्सनालिटी दे हैड कम इन आवर जस्ट नाउ लाइक द दिस पर्सन हैड कम, जैसे ट्रंप आए थे, तो क्या किया फिर? उसकी ऑनर क्या है उसके आने का? वन इज ही विल कम फॉर द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन तो बाद में हुआ. आई थिंक सो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड 26 फरवरी को जब हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट हैड कम. इनॉग्रेशन बाद में किया, आते ही पहले क्या किया बताओ? कोई भी आया नया, हमारे घर में भी कोई आया या इतनी कोई आती है, चैट्स में लिखे, कोई भी आता है क्या करता है? वेलकम करता है. वेलकम तो हम लोग करते हैं, लेकिन वो क्या करेगा? रिस्पेक्ट देके, हैप्पीनेस, वो आते ही उसकी ऑनर हम कैसे करते हैं? उसकी ऑनर हम करते हैं उसको स्पीच देना होता है, ये उसकी ऑनर है. बाकी जो फिजिकल वेलकम है वो तो ठीक है, उसको बोलना होता है. कोई आए खाली इनॉग्रेट करके चले जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो स्पीच देता है, कुछ बोलता है. बिना बोले कोई भी बड़ी हस्ती नहीं जाती है. परमात्मा ऊपर से आएगा फॉर दिस पर्पस, क्या करेगा वो? He will just speak. This is the Murli what we regularly learn from. ये godly महावाक्य है. वो आकर सिर्फ ये ज्ञान सुनाता है, ज्ञान सुनाता है. यही उसका ऑनर है. और वो जितना अच्छा स्पीच देगा, वो who will what we are watching when we say president is coming and so program है. What is the time we are waiting for? We are not waiting कि वो कब inauguration करे for the general public. कब ये करे, वी आर वेटिंग कि वो क्या बोलता है उस समय. दैट मोमेंट्स के लिए वेट करते हैं, वो सबसे ऑनरेबल मोमेंट होता है. परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं. ये रेगुलर मुरलीज आर नथिंग बट गॉडली वर्जन्स. व्हाट? और यही ज्ञान, दिस ज्ञान इज व्हाट ही इज. तो दिस इज द रीजन परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं. और अब जब वो आते हैं आकर के उनको ज्ञान सुनाना है, तो उसके बाद फिर नेचुरल है, उसने तो आकर ज्ञान सुना दिया, सब कर दिया, और उसके बाद इवेंचुअली जो इविल्स है उसका विनाश ऑटोमेटिक होता है. तो फिर जो इविल्स है, फॉर एग्जांपल जितने भी इविल्स है, अब क्या हो गया? When he came, तो जितना डैमेज हो गया वो तो हो गया. He cannot stop the physical damage done. हीरो आके जब तक जितना भी डैमेज हो जाता है, वो जो मर गए वो मर गए. ऐसा नहीं हीरो के आने के कारण विलियम तो मरेगा लेकिन ये जिंदे हो जाएंगे, ये नहीं जिंदा होगा. Those who have failed, they have failed until the hero come. तो similarly परमात्मा आते हैं, साइड बाय साइड जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, दैट कैन नॉट बी चेंज. एंड दैट वाज नॉट हिज पर्पस ऑफ कमिंग. हिज पर्पस वाज जस्ट टू एक्टिवेट द हेवनली सोल्स. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम. तो हिज पर्पस वाज टू एक्टिवेट द हेवनली सोल्स बिकॉज हिज पर्पस वाज टू जस्ट ब्रिंग हेवन इन दिस अर्थ. इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, नथिंग एल्स. सो द डैमेज विच हैज बीन डन, विच विल गो ऑन and it will move forward. And today we have not the godly predictions, but we have clearly scientific, geographical, logical predictions ki now we are moving in years. Pehle decades mein vinash ki baat hoti thi, ek decade hai, do decade hai, ab ho gaya years mein chal rahe hai ki ab ye sab sam ye vinash ka chin bata raha hai, डिस्ट्रक्शन. बिकॉज जो डैमेज हो गया वो हो गया. सो थ्री टाइप्स का डिस्ट्रक्शन होता है, नेचुरल कैलामिटीज, न्यूक्लियर वॉर. दीज आर द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन विच वी आर सीइंग टुडे. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट द डिस्ट्रक्शन. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ.
परमात्मा आकर जब ये डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, ही हैज टू जस्ट एस्टेब्लिश द न्यू वर्ल्ड. तो अब क्या, व्हाट आर द सिंपल लॉज? वन इज ड्यूरेशन ऑफ वन रोटेशन 5000 ईयर्स. ऑल सोल्स हैव टू पास थ्रू द फोर फेजेस एंड ऑल सोल्स थ्रू द नॉलेज दे विल सेटल द अकाउंट. जितनी भी अकाउंट्स वो सारे सेटल कर देंगे, क्योंकि व्हेन ही कम्स ही विल गिव द नॉलेज, और उस नॉलेज के बेसिस पे जो जो आत्माएं अपने आप को ठीक करेगी इट्स फाइन. जो नहीं ठीक करेगी, दो मेथड है जिससे वो अपने आप को ठीक करेगी. व्हेन ही कम्स ही गिव्स द नॉलेज, और वही आत्माएं नॉलेज लेगी जिन्होंने पहले लिया था. जिन्होंने नहीं लिया था वो लेगी भी नहीं. एंड दे ओनली वुड लाइक इट. सपोज यू हैड बीन, आप पहले अपने बचपन में मामा के घर या अपने नो दिस वहां बहुत गए थे, एंड यू हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ द हॉलीडेज देयर. नाउ व्हेन यू आर बिग इनफ, बड़े हो गए हो, और अब बड़े होके all of them are settled in their own ways, in their own life. Now you have been told anyone, you had spent a lot of time and your sister had not spent a lot of time. ठीक है? And now you have been told something about that place of that brother, cousin brother. You and your sister, who would be more interested in listening about it? Though none of them are concerned about them. Like nothing is mattering to you now about their life, but still who would be interested to listen about their life at this moment of time? Who would be interested among us, you two sisters or two brothers? Kaun interest honge? Dono mein se usne spend nahi kiya, aapne spend kiya, kaun zyada interested hoga? The one who has spent time more. अब जिस आत्मा ने सत्युग और त्रेता में टाइम स्पेंड किया होगा, अब परमात्मा आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया, किसको ज्ञान ज्यादा अच्छा लगेगा? जिसने सत्युग त्रेता में वो टाइम स्पेंड किया होगा. जिसने वो टाइम स्पेंड नहीं किया होगा उसको ज्ञान अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं स्पेंड किया. तो परमात्मा, देयरफॉर दीस सोल्स ओनली विल चेंज देमसेल्व्स. इट वोंट बी द होल लॉट, दोज हु विल चेंज देमसेल्व्स. दीस एंड ही इज कंसर्न्ड, बोला ही उसने यही था, साधु नाम परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम. सो ही इज जस्ट कंसर्न्ड टू रिवाइव दोज सोल्स, बिकॉज दे ओनली विल सोल, दे ओनली आर द वंस टू ब्रिंग द हेवन इन दिस वर्ल्ड, नो वन एल्स. इसलिए परमात्मा किस लिए आए हैं, क्यों, कौन से सोल्स के लिए आए थे, इस प्लेटफॉर्म में कौन से सोल्स को लगता है कि परमात्मा आए हैं, विच टाइप ऑफ सोल्स? यस, किसके लिए आए? आप सब में से किसके लिए आए आपको लगता है? यस, हमारे लिए आए हैं, फॉर द सतयुगी सोल्स. तो मेरे लिए परमात्मा आते हैं. तो अब क्या होगा, सिंपल लास्ट स्टोरी बचती है कि परमात्मा आते हैं और ये फिर ये ज्ञान सुनाते हैं एंड उसमें चेंजेस होता है. तो नाउ दोस सोल्स, परमधाम इज अ एवर प्योर वर्ल्ड, और फिर उस चेंजेस के बाद एवरीवन गोज टू परमधाम. घर में जाएंगे ना, एक बार एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, नाटक कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या करेंगे? पूरा नाटक कंप्लीट होने के बाद घर में जाएंगे. सो द सोल्स देन गो टू परमधाम. तो परमधाम इज अ एवर प्योर वर्ल्ड. एवरीवन हैज टू गो देयर. वो ही जाएंगे वन हु हैव प्योर प्योरीफाई कर दिया अपने आप को. जिन्होंने अपने आप को प्योरीफाई किया ही नहीं उनको वो जा नहीं सकते. एंड प्योरिफिकेशन के दो प्रोसीजर है,
लेट मी डिस्क्लोज यू अ ब्यूटिफुल थिंग, मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, योग बल और भोग बल. तो जो जो सोल्स प्योर अपने आप को करती जाएगी थ्रू योग बल और थ्रू सफरिंग्स, पूरा प्योर हो जाएगी, देन द सोल वुड गो टू परम धाम. अदरवाइज उसके बिगर जा नहीं सकते. इट्स रिक्विजिट कि वहां हर आत्मा के अकाउंट सेटल है. बिकॉज व्हेन वी से कि वहां से जो भी आत्मा सोल्स आएगी वो सोल्स एकदम प्योर होगी, मैं कहूंगी कि घर में जो सोल्स है वो एकदम प्योर, जो घर से एकदम प्योर आई थी, तो घर से वो एकदम परफेक्ट होके निकली, तो वहां घर में कोई वॉशरूम नहीं है, कोई एकदम क्लीनिनेस का कुछ नहीं है, बट द सोल्स व्हेन दे डिसेंडेड फ्रॉम परमधाम दे वर प्योर. परमात्मा आए थे, दे मेड देमसेल्व्स प्योर, एंड प्योरिफिकेशन इज और थ्रू आइदर थ्रू मेडिटेशन और थ्रू एवरीवन हैज टू गो थ्रू द प्रोसेस. कंप्लीट करना है ना, अकाउंट कंप्लीट करना है, सेटल करना है, नहीं तो फिर रोटेशन कंप्लीट कैसे होगा. 31st March डेट है, एक है, लेकिन उसमें क्या करते हम लोग, जो भी अनसेटल्ड होता है हम ट्राई करते सेटल कर लो. और पर्टिकुलरली अगर कंपनी बंद होनी है, यहां बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी बंद करनी है, अब क्या करते हैं, सब अकाउंट्स काफी पेंडिंग पड़े होते हैं, क्या किया जाता है, फिर कंपनी बंद कर रहे हैं. यस यस, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं यहाँ, जवाब दे, कैसे करते हो आप, कंपनी को बंद करना है और कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसमें, सारे जो अकाउंट्स है वो सेटल करना है, सेटल तो कंप्लीट करते हैं सेटल. तो अब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट होना है, सबके अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, सब अकाउंट सेटल करना जरूरी है. तो अगर इजी तरीका है, दो मेथड्स दो ही है, आइदर थ्रू मेडिटेशन और थ्रू सेटलमेंट. आप सफरिंग करो, क्लियर करो, क्लियर तो करना पड़ेगा, क्लियर एंड सेटल, विच इज इजियर चूज कर सकते, योग बल या भूख बल, जो भी करना है. तो इस तरह से सब सेटल करके सब आत्माएं ऊपर जाएगी. तो आइदर अब व्हाट इज द योग बल दैट वी आर गोइंग टू डू इट जस्ट नाउ, पूरी आत्मा सब सेटल करके चली जाएगी. अब जब सेटल करके फिर वापस आएगी तो कैसे होगा, जिस आत्मा ने जितना अपना किया है, स्ट्रॉन्ग अकाउंट इकट्ठा किया है प्योरिटी का, उतना ही वो लेके आएगी. वहां जाके कुछ नहीं करना है, 31st March के पहले जो करना है वही करना है, उसके बाद तो न्यू एंडिंग, न्यू शुरू हो जाएगा. सो ऊपर परमधाम इज नेंट फॉर नथिंग, इट इज जस्ट अ रेस्ट प्लेस. घर में आपको क्या करेंगे, आप घर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिस में आपको सेटल करना है ना, घर में जाके रेस्ट है, वहां कुछ नहीं करेंगे. तो जो ऑफिस के अकाउंट से इस संसार में अभी हम जितना सेटल कर सकते हम करेंगे, अगर नहीं सेटल करते देन थ्रू द पनिशमेंट, लास्ट मिनट तक नहीं हुआ तो पनिशमेंट विच यू आर गोइंग नाउ और फ्यूचर में जो धर्मराजपुरी, वो पनिशमेंट से वो सेटल होगा. बट विदाउट सेटल परमधाम नहीं जा सकते, बिकॉज इट्स एवर प्योर वर्ल्ड, रिक्विजिट है, सेटलमेंट इज द रिक्विजिट ऑफ दैट एवर प्योर वर्ल्ड. तो जब तक वो नहीं, तो ज्ञान से हम क्या करते हैं, सेटल करते अकाउंट. अब मुझे सेटल करना, सेटल करने का मतलब है वट एवर विल कम टू मी, नेगेटिव मेरे पास आया, आई विल नॉट मेक अ न्यू अकाउंट, सेटल हो गया, आने दो, आने दो. और दूसरा सेटल है जब हम ब्लेसिंग्स लेते हैं तब सेटलमेंट होती है. ब्लेसिंग से
इट बिकम्स इजी फॉर मी टू इम्बाइब गुड वर्च्यूज. कहते हैं ना, तुम्हारा ब्लेसिंग्स था तो इट वॉज हेल्पफुल फॉर मी टू प्रोग्रेस. तो सेकेंड वे है ब्लेसिंग्स, और तीसरा मेथड है योग बल. तो अब ये तीनों मेथड से सेटलमेंट होगा. विदाउट ये तीनों मेथड सेटलमेंट नहीं हो सकता. कौन सा इजीएस्ट है? कौन सा इजीएस्ट है? इन तीनों तीन मेथड्स है. जो इजीएस्ट है वो हम स्टार्ट करें, उसका प्रोसीजर आपको बताते हैं. ठीक है, योग बल. योग बल एक बहुत बेस्ट तरीका है अकाउंट सेटल करने का. जो जो हमारे, क्योंकि व्हाट इज प्योरिफिकेशन, सोल है. सोल में जो जो कुछ भी नेगेटिविटी है, इट इज गेटिंग द रेज फ्रॉम द सुप्रीम, एंड वो नेगेटिविटी उसकी जा रही है. ये रेज, दिस रेज फ्रॉम द सुप्रीम इज मेडिटेशन. दिस नहीं तो आप वैसे सेटल करो जैसे बाकी दुनिया में करते. ये और टेक दिस मेथड विच अवे. सो टुडे विल ट्राई दिस मेथड. सफरिंग ये भी है सेटलमेंट का, लेकिन वो पेन के साथ है. योग बल, नो पेन, जस्ट ऐसे सेटल करना. तो अब हम आज योग बल 12:15 तक, आज हमने मैसेज, कल मैसेज दिया था, योग करते हैं. योग अर्थात कनेक्शन, मेडिटेशन.